Hello friends, I am Anirudh Gupta and I am going to teach you maths. Okay? So, aaj hum naya topic shuru karenge, that is fraction and decimals, that chapter 2 NCRT. Theek hai? So, main aapko decimals ke bare mein nahi bataunga, main aapko fractions ke bare mein bataunga. Theek hai? So, what are fractions? Fractions P upon Q ke tarah jo form hote hain numbers jo aise likha jata hai. और फ्रैक्शंस कहते हैं और P और Q दोनों होल नंबर्स होते हैं जरूरी नहीं है नेचुरल नंबर्स हो क्योंकि कई बार न्यूमरेटर में जीरो भी आ जाता है कई बार पर दोनों होल नंबर्स होते हैं ठीक है तो इसके कुछ रूल्स होते हैं पहला जब जैसे मान लो 9 है और डिनोमिनेटर में जीरो है ठीक है तो ये नॉट डिफाइंड है आपने सुना है ना कई कुछ चीज़ों में नॉट डिफाइंड आता है नाइन अपॉन जीरो में नाइन डिफाइंड आता है अगर आपको याद होगा तो मैंने लास्ट क्लास में आंसर आया था रॉन्ग आंसर आया था 11 अपॉन जीरो तो नॉट डिफाइंड था तो मैंने ऐसे ज़ीरो लिख दिया था ठीक है तो हम शुरू करते हैं ठीक है एडिशन ऑफ फ्रैक्शंस कैसे होती है लेट मी टेक एन एग्जाम्पल पहले ये बताओ प्रॉपर फ्रैक्शंस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और मिक्स फ्रैक्शंस क्या होते हैं प्रॉपर फ्रैक्शंस वो होते हैं जब न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर व्हेन न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर इट इज अ प्रॉपर फ्रैक्शन एंड व्हेन डिनोमिनेटर इज बिगर न्यूमरेटर इज बिगर देन डिनोमिनेटर देन इट इज एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन अब मिक्स फ्रैक्शंस क्या होते हैं ये तो हो गया इम्प्रॉपर ये तो हो गया प्रॉपर मिक्स फ्रैक्शन क्या होते हैं एग्जांपल लेते हैं 2 1/7 ये है एक मिक्स फ्रैक्शन और ये मिक्स फ्रैक्शन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से बनते हैं इसको कन्वर्ट करके ये बनता है और इसे कन्वर्ट करके ये बनता है ये कभी नहीं बनता ये कभी नहीं बनता ठीक है ये मेथड मैं आपको अभी सिखाऊंगा ठीक है तो पहले हम एडिशन सीखते हैं एडिशन कैसे होते हैं सिंपल है जैसे नॉर्मल करते हैं जैसे एग्जांपल लेते हैं 3 upon 5 plus 7 upon 5 3 plus 7 क्या होता है 10 तो 10 5 5 को हम प्लस कभी नहीं करेंगे क्योंकि वो डिनोमिनेटर में है कुछ चीज़ों में करना होता है वरना इस सिचुएशन में जब दोनों सेम हो डिनोमिनेटर तो कभी चेंज नहीं करते तो 10 upon 5 आपको आते हैं वो आपने सीखा होगा सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है ना तो सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगा इसका 2 upon 1 is equal to 2 तो इसका आंसर 2 है ये आ गया अब कभी भी अगर हो सकता है एग्जाम में आपसे पूछे तो इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में ज़रूर करना और इसका फिर आंसर आता है 2 ओके अब इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस के एडिशन में सेम मेथड होता है जैसे मैं लास्ट एग्जांपल लेता हूँ 9 upon 7 plus 2 upon 7 ठीक है इसका भी सेम ही होगा 11 upon 7 क्या ये सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है 11 upon 7 नहीं तो इसका मतलब यही आंसर रहेगा ओके अब मैं आपको कन्वर्जन सिखाता हूँ कन्वर्जन बिटवीन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एंड मिक्स फ्रैक्शन अगर दिया हुआ है बाय चांस 9 upon 9 छोड़ो बहुत कॉमन हो गया 12 upon 5 इसे कैसे चेंज करोगे डिवाइड करते डिवाइड बनाया 12 5 सबको आता है इसे माइनस 10 करेंगे अगर 2 आएगा इसका डिनोमिनेटर आएगा 2 हमें डेसिमल्स में निकालना कभी नहीं है ठीक है तो इसका आंसर क्या होगा क्वोशंट रिमाइंडर अपॉन डिवाइडर ठीक है क्वोशंट रिमाइंडर अपॉन डिवाइडर तो मैं बता सबको ये ट्रिक एक सिंपल ट्रिक बताता हूँ यहाँ से ये लेके जाओ और यहाँ से ये लेके जाओ तो ये ऐसे बन गया
पहले ये, फिर ये, फिर ये, पहले ये, फिर ये, फिर ये, सिंपल टेक्निक। मैं हमेशा सबको ये बताता हूँ कि अगर समझ नहीं आ रहा कौन सा पहले आएगा तो यही होगा। तो इसका आंसर क्या था? 2 2 2 5। तो 2 2 upon 5, दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल है तो अगर आप चाहो तो मैं इससे भी कर सकता हूँ, पर आपको पता है इसका आंसर ये ही होएगा, तो मैं फिर दूसरा एग्जाम्पल लेता हूँ। लेट्स टेक फर्स्ट एग्जाम्पल हुआ 3 2 upon 7 को हमें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो हमेशा इसका फॉर्मूला क्या होता है? होल नंबर इंटू डिनोमिनेटर प्लस न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। ठीक है, ये होल नंबर है, ये डिनोमिनेटर है, न्यूमरेटर है। ओके, तो 3 into 7 क्या होता है? 21। और 21 plus 2 क्या होता है? 23 अपॉन डिनोमिनेटर 7। तो इसका हो जाएगा 23 upon 7। इजी। ठीक है, अब मैं कुछ मिक्स फ्रैक्शन में एडिशन सिखाऊंगा, और उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा, इसका कैसे सॉल्व करेंगे। 2 upon 7 plus 5 upon 3, इसे कैसे करेंगे? बहुत आसान है, हम इन दोनों का सिर्फ इसका और इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम क्या होता है? लोएस्ट कॉमन फैक्टर, लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लाई। ठीक है, तो 7 और 3 में सबसे ज़्यादा पहले क्या आता है? पहले हम 7 की टेबल रिकॉल करेंगे। 7 14 21 21 3 के टेबल में आता है। हाँ, तो फिर हम 21 एलसीएम लेंगे। ठीक है, तो इसका हो जाएगा 2 upon 7 is equal to 21। ये डैशेस लेवल है, क्योंकि हमें पता नहीं क्या आएगा। 7 से क्या होता है? 21 3 3, तो न्यू में यहाँ पे भी 3 आएगा। और 2 into 3 क्या होता है? ये इज इक्वल टू नहीं है, ये मल्टीप्लाई है। ठीक है, 2 into 3 क्या होता है? 6। तो इसका मिक्स फ्रैक्शन, मैं मिक्स फ्रैक्शन कह रहा हूँ, इसका इसके लिए 6 upon 21 होगा। आप इसे देखेंगे 5 upon 3 into 21, इसका क्या आता है? 7। तो 5 into 7 क्या होता है? 35। ठीक है, अपॉन 21। अब मैंने आपको बताया था कि जब दोनों डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो सिंपल हमें डिनोमिनेटर का ऐड करना होता है। तो 6 plus 35 upon 21। अब हमें अलग अलग क्यों लिखा? क्योंकि डिनोमिनेटर तो एक ही रहेगा, हम उसे प्लस करेंगे नहीं। अगर प्लस करना होता तो मैं यहाँ पे +21 लिखता, पर हमें नहीं करना, इसलिए हम ऐसे ऐसे तरह लिखेंगे। तो 6 plus 31 क्या होता है? 6 plus 35 41 upon 21। दिस इज द फाइनल आंसर। क्या ये सिंपलेस्ट फॉर्म में हो सकता है? ये नंबर सिंपलेस्ट फॉर्म में हो सकता है? नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि 41 प्राइम नंबर है। तो इसलिए ये है हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, आप समझ गए। अब मैं एक ईजी सा एग्जांपल देता हूँ, सेम है 2 plus 7 upon 5। इसे कैसे सॉल्व करोगे? 2 plus 7 तो करेंगे नहीं। अगर आपको पता हो तो एक फैक्ट है, बहुत इजी है, ये 2 upon 1 है। 2 upon 1 तो बात एक ही है, मैंने अभी एग्जांपल में करके दिखाया था, जब सिंपलेस्ट फॉर्म में गया था 10 upon 5, तो वहाँ पे भी 2 upon 1 आया था, तो मैंने 1 को इग्नोर कर दिया था और आंसर 2 है। पर जब 1 upon 2 आता है तो हमें इग्नोर नहीं करना होता। क्यों? क्योंकि 2 डिनोमिनेटर में और 1 न्यूमरेटर में है, तो ऐसे सिचुएशन में हमें कभी इग्नोर नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो हम इसे सॉल्व करेंगे, इसे ऐसे मान लो। ठीक है, इसका एलसीएम क्या है? 5। 1 का 10 भी हो सकता है, 15 भी हो सकता है, पर लोएस्ट कॉमन मल्टीपल लेना होता है तो फिर इसका होता है 5। तो 2 upon 1 into 5 10 हमें इसे कन्वर्ट सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं करना, बिल्कुल नहीं करना।
ठीक है करेंगे तो हमें वापस मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है, तो लंबा प्रोसेस होगा, तो ऐसे रहना। इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम आ गया तो हमें प्लस करना है, 7 + 10 / 5 = 17 + 17.5, ठीक है, आसान था, ये इसका आंसर था। अब मैं मिक्स फ्रैक्शन में बताऊंगा, हम इसे बोलते हैं मिक्स फ्रैक्शन में मुझे एक कॉन्सेप्ट याद आता है जो आपको बताना भूल जाता हूँ, पर इस बार कोई फ्रैक्शन मुझे जरिए, ठीक है। तो फिर मिक्स फ्रैक्शन लेते हैं 3 / 1/5 + 2/7। एग्जाम्पल ऐसे रैंडम एग्जाम्पल है, पहले से कन्वर्ट करेंगे 3 × 5 + 1 = 16, 16/5 + 2/7, सेम मेथड यूज़ करेंगे, इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे क्या होगा 35, तो इससे वही करेंगे। तो दिमाग में कैलकुलेशन करना आप शुरू करिए, ठीक है, क्योंकि आप एग्जाम पे अगर लिखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर शॉर्ट मेथड में, क्योंकि मैथ के एग्जाम बड़े होते हैं, लंबे होते हैं, ठीक है, तो अगर आप प्रैक्टिस बहुत कर रहे हो तो आपके लिए छोटा होता है, ठीक है। तो फिर मन में कैलकुलेट करना शुरू करिए, 5 × 7 ये आता है, तो 16 × 7 क्या होता है, कैलकुलेट करिए, 16 × 5 = 80, 96, 106, 112, 112, ठीक है, प्लस अब सॉरी हाँ प्लस अपॉन 35, 2 इसमें 5 आता है तो 2 × 5 = 10, अब सेम आ गया तो इसका आंसर निकल गया 122/35, ये हमारा फाइनल आंसर है। क्या ये कन्वर्ट हो सकता है? नहीं, कन्वर्ट नहीं हो सकता है। तो फिर आप समझ गए कैसे करना है, अगर यहाँ पे सिंपल 2 होता तो वही होता 2/1, ठीक है। अब आते हैं हम सब्ट्रैक्शन पे, सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे, सेम मेथड 3 - 2/7/7, क्या आएगा इसका आंसर 1/7, ये हमारा फाइनल आंसर 7/ इसका आंसर 7 नहीं होएगा, क्यों 7 क्यों नहीं होगा, क्योंकि जब 1 न्यूमरेटर है तो डिनोमिनेटर भी लेना होता है, अगर 1/1 हो तो हम 1 ले सकते हैं, ठीक है, एज एन आंसर, ठीक है, तो इसका ये आंसर आ गया। अब वैसे ही अगर ऐसे ले ले 2 / 3/7 - 7/2, ठीक है, फ्रैक्शन में क्या होती है कटिंग, ठीक है, पर हम इसमें कटिंग करेंगे नहीं, क्यों, कटिंग तब होती है जब हम मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहे होते हैं, वो मैं आपको बाद में अभी बताऊंगा, ठीक है। तो इसे माइनस करेंगे इसका एलसीएम क्या होगा 14, तो 3 सॉरी हम दिमाग में कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, तो इसका होएगा 14, इसका क्या है 6 माइनस रखेंगे प्लस नहीं रखेंगे, 2 में क्या आता है 7 पे, तो 7 × 2 और सॉरी थोड़ा गलत एग्जांपल ले लिया मैंने, ये होना चाहिए उल्टा 7/2 - 3/7, ऐसा होना चाहिए, वो तो सेम ही रहेगा पर इसमें माइनस में आंसर आएगा, वो अब इस लेवल्स में नहीं है, ठीक है, तो 7 करेंगे तो ये क्या आएगा 2 × 7 = 14, तो 7 × 7 = 49 - 6, तो इसका क्या आंसर आएगा 43/14, दिस विल अगेन नॉट बी चेंज बिकॉज 43 इज अ प्राइम नंबर। ठीक है, ये भी समझ आ गया, मिक्स फ्रैक्शन में भी सेम मेथड होएगा, ठीक है, और डिनोमिनेटर सेम है तो बढ़िया है, आसान है, सॉल्व कर दो फटाफट, ठीक है। अब हम आएंगे नए कॉन्सेप्ट पर फ्रैक्शन के, दैट इज मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन आसान है, एटलीस्ट फॉर मी दोनों से तो आसान ही है, दैट्स इट 2 ×
थ्री अपॉन फाइव, इसका आंसर क्या होगा? हम इसमें एलसीएम नहीं लेंगे, क्यों? क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन है, ये ना एडिशन है ना सब्ट्रैक्शन है, तो इसका टू इंटू थ्री सिक्स, सिक्स अपॉन फाइव इज द फाइनल आंसर, ठीक है। अब बोल रहे होगे भैया मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने क्यों नहीं कर रहा तू, ठीक है, जब क्वेश्चन में मिक्स फ्रैक्शन हो और आंसर इम्प्रॉपर आ रहा है, मैंने अभी दिखाया नहीं, वरना एक बार आया था, मैं दिखाना बताना भूल गया, ठीक है, जब क्वेश्चन में मिक्स फ्रैक्शन हो और आंसर प्रॉपर हो तो तू रहने दो, प्रॉपर ही रहने दो, सिंपलेस्ट फॉर्म हो सकते तो कर दो, ठीक है, बट जब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो तब हमें करना चाहिए, मतलब मिक्स फ्रैक्शन में क्वेश्चन हो और इम्प्रॉपर आंसर आ रहा है तब उसे मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो मैं मल्टीप्लिकेशन का एग्जांपल दिया था, मैंने ये तो बता दिया था, अब टू अपॉन थ्री इंटू थ्री अपॉन टू, इसे कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, सिंपल है, बट मैंने क्या कहा था अभी, मल्टीप्लिकेशन में कटिंग होती है, थ्री थ्री टू टू, वन 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 वन, वन इंटू वन, वन इंटू वन इज इक्वल टू वन अपॉन वन इज इक्वल टू वन, दिस इज फाइनल आंसर, सिंपल है, हमें मल्टीप्लाई करने की जरूरत भी नहीं पड़ी, अगर आपको मल्टीप्लाई करना है तो आंसर आएगा सिक्स अपॉन सिक्स, सिक्स अपॉन सिक्स इज इक्वल टू वन, ठीक है। अब मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ सेम का, कटिंग का, सिक्स अपॉन एट इंटू टू अपॉन थ्री, सिंपल है, मैंने आपको देखा होगा कि ये तो ऐसे कट हो रहा है, ठीक है, पर आपके दो दो ऑप्शन हो सकते हैं, अगर आपको डायरेक्ट कट करना है फोर आ जाएगा, अगर भी डायरेक्ट कट करना है टू आ जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा टू अपॉन फोर, ये भी कटा, इसका आंसर हो जाएगा वन अपॉन टू, इस सबका आंसर वन अपॉन टू, दो मिनट में हो गया, पर अगर आपको ऐसे लग रहा है कि ये भी तो कट हो सकता है तो कर दो, ये क्या होएगा, थ्री अपॉन फोर, थ्री अपॉन फोर इंटू टू सिक्स अपॉन, ठीक है, फोर इंटू थ्री ट्वेल्व, ठीक है, अब ये भी कट हो सकता है, इसका भी वन अपॉन टू है, दोनों आसान है, बट ये शॉर्टर फॉर्मूला है, थोड़ा लंबा है, ठीक है, तो मैं प्रेफर करता हूँ कि ये वाला करे और ये वाला ना करे, है ना, ठीक है, अब समझ गए कैसे करना है। अब हम करते हैं कुछ मिक्स फ्रैक्शन में मल्टीप्लिकेशन, तो लेट्स सी एन एग्जांपल, सेवन वन अपॉन टू इंटू फाइव अपॉन वन, सेवन ले लो, फाइव अपॉन सेवन, पहले से कन्वर्ट करेंगे, सेवन इंटू फोर टू प्लस वन, पंद्रह अपॉन टू इंटू फाइव अपॉन सेवन, सेम लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि माइनस नहीं है, ये मल्टीप्लाई है, ठीक है, तो फिर ये नहीं कट सकता, ये नहीं कट सकता, तो हम सिंपल मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, तो फिफ्टीन इंटू फाइव सेवेंटी फाइव, टू इंटू सेवन फोर्टीन, कैन दिस भी, क्या ये कट सकता है, ये कट नहीं सकता, ठीक है, अगर सेवन से कट सकता था पर ये कटेगा नहीं क्योंकि सेवेंटी सेवन ये सेवेंटी फाइव है, अगर सेवेंटी सेवन होता तो ये कट जाते तो इसका होता फाइव अपॉन टू, पर ये नहीं है सेवेंटी फाइव है तो ये कटेगा नहीं, ठीक है, तो क्वेश्चन में मिक्स फ्रैक्शन है तो हमें ये भी मिक्स फ्रैक्शन करना होगा, ठीक है, तो हम डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा आंसर, चलो पहले डिवाइड करके दिखा देता हूँ, ऐसे डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, फोर्टीन ट्वेंटी एट ट्वेंटी एट फोर्टी टू फिफ्टी सिक्स, फिफ्टी सिक्स, क्या फिफ्टी सिक्स होएगा आंसर या एट्टी होएगा, सॉरी सेवेंटी, बोलो सेवेंटी होएगा, तो इसका आंसर आएगा फाइव सेवेंटी फाइव। अब मैंने क्या बताया था, क्वेश्चन मतलब ऐसे वाला यदि ऐसे जाएगा, ठीक है, तो इसको लगेगा फाइव फाइव अपॉन फोर्टीन,
ओके सर, चलो ये हमारा फाइनल आंसर है इसका, ठीक है। अब हम आते हैं, सारा कॉन्सेप्ट तो हो ही गया, अब हम एक कॉन्सेप्ट पे आते हैं, हाउ टू टेक अ रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल कैसे लेते हैं? 2/7 है, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा? इसे यहाँ ले आते हैं और इसे यहाँ ले आते हैं, सिंपल 1/2, ये इसका रेसिप्रोकल है 1/2। अब इसका रेसिप्रोकल क्या होगा? 2/7, इसका क्या होगा? 7/2, ऐसे चलते रहते। अब 7 का रेसिप्रोकल क्या होगा? 1/7, क्योंकि यहाँ पे 1 है नहीं है, है नहीं है, है ना, लिखे बात तो एक ही है, ठीक है। तो 7 का होगा 1/7। अब हम आते हैं डिवीजन ऑफ मल्टी फ्रैक्शंस, ये थोड़ा ट्रिकी है बट ये भी आसान है। सेकेंड एग्जांपल, 8/6 डिवाइडेड बाय 2/3, ठीक है। हम जब भी डिवाइड करते हैं तो ये वाला पार्ट, जो सेकंड वाला पोर्शन होता है, सेकंड वाला, ठीक है, जो सेकंड वाला होता है, ये ध्यान रखना, ये मत करना कभी, ये करोगे तो कट जाएंगे मार्क्स, कभी नहीं मिलेंगे उसके मार्क्स। ये वाला पार्ट हमेशा इसका रेसिप्रोकल निकालते हैं, तो 2/3 का क्या होता है? 3/2, ठीक है। तो फिर ये हो जाएगा 8/6। अब जब रेसिप्रोकल निकलता है तो डिवाइड नहीं, मल्टीप्लाई हो जाएगा, अब मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये कटेगा 2, ये भी कटेगा 4, ठीक है। तो ये 4/2 है तो इसका हो जाएगा 2/1, हाँ ये 2 हो जाएगा इसका आंसर, ओके समझ आ गया। अब मिक्स फ्रैक्शन में कैसे करेंगे? सेम मेथड, पहले मिक्स फ्रैक्शन को कन्वर्ट कर दिया, फिर सेकंड नंबर का रेसिप्रोकल निकाल दिया और फर्स्ट कर दिया ऐसे मल्टीप्लाई करके। अब मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, 8/7, इसे कैसे करेंगे भैया? सिंपल है, रेसिप्रोकल लिया 8 × 1/7 = 8/7। अगर आपको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना तो कर लो, तो इसका हो जाएगा 1/1/7, हो गया कॉल, ठीक है। तो इतने का ही ये आंसर है। अब मैं लास्ट एग्जांपल लूँगा, उसके बाद हम कुछ एक्सरसाइजेस करेंगे एनसीईआरटी में से। लेट्स टेक एटीन डिवाइडेड बाय 18/2, ठीक है, 18/2 डिवाइडेड बाय 3 ले, ठीक है। तो हम इसका रेसिप्रोकल निकालेंगे 18/2 × 1/3, ठीक है। तो क्या ये कट सकता है? नहीं, 1 के साथ कुछ भी नहीं कटता। और 3 और 18 कट सकता है? नहीं, वो भी नहीं कट सकता। तो हम सिंपल मल्टीप्लाई कर देंगे 18 × 6, क्या ये कट सकता है? हाँ, 3/1, तो इसका आंसर आ जाएगा 3, ओके, इसका आंसर है फाइनल 3। चलो बहुत हो गया, अब हम कुछ एनसीईआरटी में से कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अच्छा, 7/10 + 2/5 + 3/6, ठीक है। इसे कैसे निकालेंगे? इसमें तो 3 नंबर है, सिंपल है, तीनों का लेंगे और तीनों का कैल्सियम है 10, तो ये हम ऐसे रखेंगे 7/10, दिमाग में कैलकुलेशन करनी है, = 10, और इसका क्या होएगा? प्लस
ठीक है, तो ये इंटू टू है तो ये भी इंटू टू हो जाएगा, तो दैट इज फोर, और थ्री इसका होता है फाइव, तो ये भी हो जाएगा फाइव इंटू फाइव, थ्री इंटू फाइव फिफ्टीन। अब हम इन सब को प्लस कर देंगे, सेवन प्लस फोर एलेवन, एलेवन प्लस फिफ्टीन ट्वेंटी सिक्स अपॉन टेन। क्या ये कट सकता है? हाँ ये कट सकता है। किससे कट सकता है? टू से कट सकता है, तो हम इसे काट देंगे, तो ये हो जाएगा थर्टीन अपॉन फाइव। तो दिस थर्टीन अपॉन फाइव इज द फाइनल आंसर। समझ आ गया? अब हम नेक्स्ट एग्जांपल लेंगे बुक में से। अभी मैं एक्सरसाइज 2.1 करा रहा हूँ। आपको मैजिक स्क्वायर पता है? मैजिक स्क्वायर ये होता है, मैजिक स्क्वायर। सॉरी मैं थोड़ा अच्छा नहीं बना, इसे बना रहा था। ये लग नहीं रहा, तो चलो काम चला होगा। ये सारे स्क्वायर है, डोंट माइंड, मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है बोर्ड पर। ठीक है, अब इसमें बुक में एग्जांपल है, फोर अपॉन इलेवन, नाइन अपॉन इलेवन, टू अपॉन इलेवन, थ्री अपॉन इलेवन, फाइव अपॉन इलेवन, सेवन अपॉन इलेवन, एट अपॉन इलेवन, वन अपॉन इलेवन और सिक्स अपॉन इलेवन। ठीक है, हम क्या करते हैं, हम पहले रोज को कैलकुलेट करते हैं, पहले इसको इसको फिर इसको, फिर कॉलम्स को करते हैं, प्लस मल्टीप्लाई नहीं माइनस की तब, उसके बाद हम डायगोनल्स को करते हैं, ये वाला डायगोनल और ये ऐसा डायगोनल। ठीक है, तो हम अभी इसे सॉल्व नहीं करेंगे, क्योंकि कई बार एग्जाम्स में आता है, तो हम इसे अभी सॉल्व नहीं करेंगे। पर अगर आप चाहते हो कि आप बताना चाहते हो कि यह मैजिक स्क्वायर है कि नहीं, और मैजिक स्क्वायर है कि नहीं, कैसे पता चलेगा? सबका आंसर जो तीनों कॉलम्स है, तीनों रोज है, दोनों डायगोनल्स है, उनका आंसर सेम आना चाहिए। ठीक है, अगर एक भी डिफरेंस आ गया, एक भी अलग आ गया, मतलब वो मैजिक स्क्वायर नहीं है। ठीक है, अगर आप कुछ चाहते हो तो इस कमेंट्स में लिख दो कि ये है कि नहीं, और ये भी लिख सकते हो कि कौन सा सबसे अलग है। ठीक है, आपकी विश है। तो हमने प्लस को कर लिया, अब हम कुछ माइनस और मल्टीप्लाई करेंगे। चलो आपको ये आते हैं, फाइंड वन अपॉन टू ऑफ, ऑफ के बाद कोई भी आ सकते हैं, जैसे इसमें फर्स्ट पार्ट है 24। ठीक है, तो ऑफ का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई, तो हो जाएगा वन अपॉन टू इंटू 24। क्या ये कट सकता है? हाँ ये कट सकता है, इसका हो जाएगा 12। ठीक है, तो आंसर इसका रिजल्ट इसका हो जाएगा 12, वन इंटू 12 12। ठीक है, और पार्ट्स करने मुझे लगता कोई ज़रूरी है, बट चलो मैं एक पार्ट करके दिखा रहा हूँ इसका। थ्री अपॉन फोर और थर्टी सिक्स और क्या होता है? मल्टीप्लाई, तो हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो क्या ये कट सकता है? हाँ ये कट सकता है, नाइन। तो अब इसका आंसर नाइन नाइन नहीं होएगा, क्योंकि ये वन नहीं है, ये थ्री है, तो थ्री इंटू नाइन क्या होता है? 27। तो इसका आंसर हो जाएगा 27। ओके, चलो अब हम कुछ अलग क्वेश्चंस करते हैं, दो तीन क्वेश्चंस करते हैं, उसके बाद हम ये वीडियो एंड करेंगे। ये कर सकते हैं,
भी अच्छा है। अच्छा मैं आपको एक चीज बताना भूल गया, असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर कैसे निकालते हैं इसमें। मैं भी जब पेज पलट रहा था तो मैंने दिखाई दिया असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग का ऑर्डर, तो बताना भूल गया मैं। अधी हो गई यार, तो सेम कॉन्सेप्ट होता है। अगर सारे डिनोमिनेटर सेम हो तो जो ग्रेटर है वो बड़ा है, जो छोटा है वो छोटा है, ठीक है। बट जब अलग अलग होते हैं, जैसे हम जिसमें एलसीएम निकालना होता है उसमें हमें पूरा सॉल्व करना होता है, जिसमें पूरा एक रजिस्टर का पेड़ लग जाता है और वो हमें भी कैसे लगता है, ठीक है। 1/5, 3/7, 7/10 ये तो सॉल्व हो गया ना, 70 है इसका, ठीक है। तो इसका एलसीएम 70 है, तो ये 5 में 70 कब आता है, 14, तो 1 × 14, 14। तो इसमें हमें वो नहीं करना, सॉरी, ठीक है। तो हम इसमें अलग अलग करते हैं, इसमें हमें ऐड नहीं करना, गलती से मैंने ऐड कर दिया। 14/70, 7 में कब आता है 10, तो 30/70, अब इसमें कब आता है 7, तो 7 × 7, 49/70। अब इसमें से आप डिफाइन बता सकते हैं कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। क्या ये सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा है ये, देखो ये तो ऑलरेडी डिसेंडिंग ऑर्डर में, ये बड़ा है ये बड़ा है, और ये छोटा है ये छोटा है, तो ऑलरेडी डिसेंडिंग ऑर्डर में कर गया, क्या बात है, काम आसान हो गया मेरा, ठीक है। पर जब उल्टा पुल्टा होता है, 49 पहले होता है, फिर 14 होता है, फिर 30 होता, ठीक है, तो हमें थोड़ा अलग उल्टा करना होता, मतलब हमें सबको रीअरेंज करना पड़ता, ठीक है। उसके बाद जब रीअरेंज कर दिया तो हमें उसका देयर फोर कर दिस फिर दिस फिर दिस, अब उसका ओरिजिनल नंबर भी लिखना होता, अगर हम ओरिजिनल नहीं लिखेंगे तो आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है। तो मैं अब सबको एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ, चलो इसी तरफ करते हैं। 2 × 1/5 / 1 × 1/5, पहले हम इसे कन्वर्ट करेंगे, इसका हो जाएगा 11/5 / 6/5, क्या बात है, 11/5 हम इसे रेसिप्रोकल लेंगे, मल्टीप्लाई आएगा तो 5/6, ये कटा 1/1, तो 11 × 1 = 6, 11/6। अब क्वेश्चन में क्या था, मिक्स फ्रैक्शन, तो हम क्या निकालेंगे, अगर आप सो रहे हो तो प्लीज उठ जाओ, क्योंकि मेरे ख्याल से मैं ज्यादा बोर कर रहा हूँ आपको, सॉरी। तो 11/6 हो जाएगा, क्या आएगा इसका आंसर, क्या आएगा इसका आंसर, क्या होएगा इसका आंसर, ये आंसर इसका, ठीक है। अगर सोचोगे मैं 1 में कैलकुलेट कर रहा हूँ, नहीं, मैं पहले से ही पता था, क्योंकि मुझे इसकी एक्स्ट्रा ट्रिक पता है कैसे करते हैं, ठीक है। वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊँगा इसकी एक्स्ट्रा ट्रिक क्या होती है, ठीक है। इसका आंसर है 1/5/6। अगर एक चीज़ बताना भूल गया, अगर ये 12 थोड़ा हाँ, अगर ये 18 होता तो इसका आंसर ये नहीं आता, हम इसे इसमें चेंज नहीं करते, अगर हम चेंज करना चाहते हैं तो भी चेंज नहीं होगा, अगर हम इसे चेंज करना चाहते हैं इसे इस होल को सेक्शन में, तो कभी चेंज नहीं होगा, ये होल नंबर में ही चेंज हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ऑलरेडी डिविजिबल है इससे, तो इसका 3 हो जाएगा, अगर हम ट्राई करें करने की, ठीक है, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 18, यहाँ 6, 3 - 18, 0। अब आप सोच रहे मैं ऐसे कर दो ऐसे कर दो, इसका हो जाएगा 3 × 0/6, जो गधे लोग होते हैं ना वही करते हैं ऐसा, ये रॉन्ग है, 0 और
जीरो कभी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में नहीं आएगा, अगर आएगा न्यूमरेटर में आएगा तो मतलब डिविजिबल है, डिनोमिनेटर हमेशा नॉट डिफाइंड होगा। चलो ठीक है, थैंक यू क्लास, थैंक यू फ्रेंड्स, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कमेंट डाउन बिलो इफ यू हैव एनी डाउट एंड ऑडिशन बाय एनसीईआरटी आरएस अग्रवाल। ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि इस वीडियो को देखकर अगर आपने किसी को शेयर करा वो आपसे ज़्यादा मार्क्स लाया तो इस वीडियो को दो बार देखते हैं। अच्छा, हम एक नई चीज़ कर रहे हैं, अगर आपको दूसरे बच्चों को पढ़ाना है या फिर अपनी नॉलेज शेयर करनी है तो प्लीज़ कॉन्टैक्ट अस इन दिस नंबर, इस नंबर पे आप कॉन्टैक्ट करिए, हमसे बात करिए और हम आपको प्लेटफॉर्म देंगे जिससे आप दूसरों को पढ़ा सकते हैं, अपनी नॉलेज शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो प्लीज़ कॉन्टैक्ट अस एंड थैंक यू।